हाय एवरीवन, दिस इज मी रिधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो हम लोग कर रहे हैं ये सीरीज जिसमें मैं आपको आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके सारे चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में इन दी फॉर्म ऑफ वन शॉट। तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए वन शॉट तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ मैं आपको दे रही हूँ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। और अब आपको पता चल ही गया होगा किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, याद रखने के लिए और उसके किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फॉर्म करने के लिए कीवर्ड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको कराती हूँ, मैसेज में आपको ऑफकोर्स बताती हूँ लास्ट में इस सेशन में क्या आपने सीखा। और इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें ना, द नेकलेस, ये ऑलरेडी एक क्लासिक स्टोरी है। क्लासिक स्टोरी बोले तो एक ऐसी स्टोरी जो हर जगह फेमस है, सिर्फ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन ये बहुत फेमस स्टोरी ऑलरेडी है। ओके, गाय डी मॉपसेंट की ये स्टोरी है। ये फ्रेंच राइटर है और फ्रेंच है तो इसका मतलब फ्रांस इसकी लोकेशन होगी, तो वहीं की लोकेलिटी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। अगर करेंसी की बात करेंगे तो आपको फ्रेंक्स में बात की जाएगी, रुपीज एंड डॉलर्स में बात नहीं की जाएगी, राइट? तो ये फ्रेंच बेस्ड स्टोरी है। मैंने बोला क्लासिक है और इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं, मॉरल लेसन, मॉरल वैल्यू आप सीखते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो एक मैसेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर होगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, लाइफ में कंटेंट होना चाहिए, आपको कंटेंटमेंट होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और उसे जेलस नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे लेसन है जो इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको सारे बताऊंगी, क्वेश्चन भी दूंगी आपको और समझाऊंगी भी कि उनके आंसर्स आपको लिखने कैसे हैं। चलो सेशन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें जो कैरेक्टर है उनके बारे में। मटिल्डा रोजेल हमारी नंबर वन कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि एक फेमस कैरेक्टर है इस स्टोरी की और एक क्लासिक है, मतलब इसको हर कोई जानता है। जैसे क्लासिक बोले तो ना, जैसे मैं आपको बोलूँ ना सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ी है, स्नो व्हाइट की पढ़ी है, आप बोलोगे हाँ मैम पढ़ी है। चाहे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं भी होगी फिर भी आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, राइट? ये ऐसे ही है, ये सिलेबस का पार्ट ना होती हुई भी इन स्टोरीज को हर कोई पढ़ता है। तो इसकी जो कैरेक्टर है मटिल्डा, ये भी बहुत फेमस है अपने डिससेटिस्फेक्शन बिहेवियर की वजह से। मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, ठीक है। और इसके लिए देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताती हूँ मैं, मटिल्डा इज ब्लेस्ड विद फिजिकल ब्यूटी। इसके अंदर फिजिकल ब्यूटी तो है बट नॉट विद द लग्जरी ऑफ लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल इसके पास में नहीं है। तो यही इसका ड्रॉबैक है बच्चों, इसके लाइफ में ये क्लर्क के घर में पैदा हुई है और उसकी शादी भी किसी क्लर्क से हुई है। उसकी वजह से अभी होता क्या है कि ये सैड है, डिससैटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। इसको लगता है दैट शी हैज बॉर्न, शी इज बॉर्न टू बी विद द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, टू एंजॉय द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। और इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, शी फील दैट शी इज एन एरर ऑफ डेस्टिनी। ओके, व्हेन शी गेट्स एन इनविटेशन टू अटेंड मिनिस्टर्स पार्टी, शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड लूजेज इट। और क्या करती है उस डायमंड को जो ये खरीदती, मतलब बोरो करती है अपनी फ्रेंड से एक मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए, उसको खो देती है। तो आपने पूरी स्टोरी अगर नहीं पढ़ी है तो कैरेक्टर्स बताने के बाद में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। और अगर आपने कैरेक्टर्स को समझ लिया है, स्टोरी आपको पता है, तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड आपके लिए आता है, शी लिव्स अ हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ अ रिप्लेसमेंट। तो जो नेकलेस ये खो देती है, ये डिसाइड करती है कि उसको वापस करेगी। ओके, तो खरीदना पड़ेगा, अब खरीदने के लिए चाहिए पैसे, अब उन पैसों को अरेंज करना, लोगों से डेट मांगना, उधार मांगना और फिर उधार को वापस देना, इस सब में 10 साल निकल जाते हैं। और 10 सालों में वो कैसी लाइफ जीती है, हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब नेसेसरी चीजों के लिए भी इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, राइट? तो ये क्या था, ये था एक मटिल्डा रोजेल के बारे में। अगर इनके कैरेक्टर के बारे में बताया जाए, एरर ऑफ डेस्टिनी अपने आप को बताती है, मतलब कि एरर यहाँ लिखा नहीं है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, डेफिनेटली मिल जाएगा। एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब इनको लगता है इनकी जो इनका जो बर्थ है वो गलती से हो गया है ना, होना ही नहीं चाहिए था। शी इज मेड फॉर डेलिकेसीज ऑफ लाइफ, लाइफ की इंजॉयमेंट, लग्जरीज को जीने के लिए इनकी लाइफ है, ना कि एक मेडियोकर नॉर्मल से घर में रहने के लिए। इसके अलावा ये बोलती है कि जब इनको रीपे करना पड़ा तो शी हैड टू लिव अ हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। ये कुछ इनके कीवर्ड्स हैं, इनको आप हेडिंग बना के इसके कैरेक्टर स्केच में भी लिखाओगे तो भी हो जाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर हैं वो है आपके मॉन्जोर लोजेल, मिस्टर लोजेल बेसिकली।
ठीक है, ये कौन है, एक हस्बैंड है किसके, मटिल्डा के। इनके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना बेटा, वो है क्या है, एक तो ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे, कहने को ये क्लर्क है बट अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है और प्लेजर फुल लाइफ जीते हैं। अगर इनके डिनर में पॉट पाई होगा खाने के लिए, तो ये उसको भी खाएंगे बड़े शौक से। उल्टा जो मटिल्डा है उसको लग्जरियस डिशेस चाहिए, है ना, मार्वलस डिशेस खाने को चाहिए। ये एक सपोर्टिव हस्बैंड है, एक सपोर्ट करने वाले हस्बैंड और एक केयरिंग हस्बैंड है, ठीक है। हमेशा हर फील्ड में हर जगह पर ये क्या करते हैं, मटिल्डा की हेल्प करते हैं। ही डज हिज बेस्ट टू अपीज मटिल्डाज डिमांड्स एंड बेयर्स हिज कंप्लेंट। जितनी भी कंप्लेंट्स ये करती है ना अपनी लाइफ में मटिल्डा, मिस्टर लूजर सारी सहते हैं बहुत अच्छे से और कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को कैसे भी करके खुश रखें। अच्छा हस्बैंड बन जाता है। लूजर सेक्रीफाइस करता है अपनी पूरी लाइफ, क्यों, क्योंकि जो डायमंड नेकलेस जो वापस करना था उसके लिए जो खर्चा इन्हें बेयर करना पड़ता है पूरी अपनी लाइफ में, वो दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं। जबकि जो मिस्टर लूजर, इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, है ना, इसने तो कुछ नहीं किया, खोया नेकलेस मटिल्डा ने, रीपे करना है मटिल्डा को, बट बिकॉज ही इज हस्बैंड ही विल बी विद हर टिल द एंड ऑफ बोथ ऑफ देयर लाइव्स। तो दिन में ये जॉब करता है और शाम को एक्स्ट्रा वर्क करता है, सो दैट जितना भी डेट इन्होंने लिया है उसको वापस कर सके। तो एक बहुत अच्छा सपोर्टिव एंड आप कह सकते हैं केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग हस्बैंड है मिस्टर लोजल, कोई गलती इसकी नहीं होगी। सेक्रीफाइस करी है इसने अपनी लाइफ और हमेशा अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करी है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे लिए है फॉरेस्टियर। ये कौन है, मटिल्डा की फ्रेंड है और ये एक वेल्दी फ्रेंड है। फॉरेस्टियर इनके पास जाती है मांगने के लिए नेकलेस के, भी क्या तुम्हारे पास कुछ है पहनने के लिए, मुझे पार्टी में पहनना है। ये उसको उसके लिए बहुत काइंड है, काइंडली उससे बिहेव करती है। लेकिन मटिल्डा क्या करती है, उनसे बिटरली जेलस है। मटिल्डा अपनी हर फ्रेंड से जेलस रहती है जो वेल्दी है, जो भी पैसे वाला है। मटिल्डा कोशिश करती है उससे दूर रहे क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगता, जेलसी फील करती है कि काश मैं भी ऐसी होती, है ना। मैडम फॉरेस्टियर उसको दे देती है एक नेकलेस, ठीक है, पार्टी में पहनने के लिए। और 10 साल बाद वो उसको एक ट्रिक, लास्ट में जो ट्विस्ट है वो उसको इन्फॉर्म करती है, उसके बारे में हम लोग सेशन के एंड में पढ़ेंगे, राइट। अभी हम लोग करते हैं शुरुआत। तो हमारे तीन कैरेक्टर कौन कौन से थे बेटा, एक है आपकी मटिल्डा लोजल, ठीक है, नाम लिखो मुझे चैट सेक्शन में उनके। दूसरा है आपका मिस्टर लोजल, ठीक, मॉन्जोर लिखने की जरूरत है, फ्रेंच वर्ड होता है वो, आप मिस्टर लूजर लिख दीजिए। और तीसरा हो गया आपका मैडम फॉरेस्टियर। तो ये तीनों कैरेक्टर आपके इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के कैरेक्टर के चारों तरफ ये जो स्टोरी है वो घूम रही है। मेन कैरेक्टर इसका मटिल्डा है। आप देखो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको मटिल्डा के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है, जैसे कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी लेडीज बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी। ऐसा लगता है उसको कि वो एक एरर ऑफ डेस्टिनी है, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स वो पैदा हो गई है। वो अपने आप को अलाउ करती है किससे, एक पैटी क्लर्क से शादी करने के लिए, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो भी एक क्लर्क होता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी क्लर्क के घर में पैदा हुई, ऊपर से शादी भी क्लर्क के घर में हो गई, मतलब देयर इज नो स्कोप इन फ्यूचर की वो कुछ रिच लाइफ या वेल्दी लाइफ या लग्जरियस लाइफ जी सकती है। शी वॉज सिंपल बट अनहैप्पी, बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यहाँ से उसका डिससेटिस्फेक्शन का नेचर दिखाई देता है, मतलब वो क्या है अपनी लाइफ में, डिससेटिस फाइड है, ठीक है, अपनी लाइफ में क्या है, डिससेटिस्फाइड है। शी डज नॉट एक्सेप्ट हर फेथ, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। तो उसको लगता है कि लाइफ की सारी लग्जरीज मेरे लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो जाएंगे आपके लिए। डिनर टेबल पर जब उसका हस्बैंड हैप्पीली क्या खा रहा होता है, पॉट पाई, वो क्या इमेजिन करती है, काश मैं एलिगेंट डिनर्स खा पाती, सिल्वर शाइनिंग प्लेट्स में खा पाती, है ना, और क्या कर पाती, एक्सक्यूजिट फूड खा पाती, मतलब कि बहुत रिच ब्यूटीफुल वंडरफुल खाने में बहुत अच्छा ऐसा कुछ में खा पाती, सर्व देना मार्वलस डिशेज, जो कि हम मार्वलस डिशेज में सर्व करके खाते, मतलब कि चांदी की प्लेट्स में, है ना, बढ़िया बढ़िया डिनर सेट में खाती है। तो उसको ये चाहिए अपनी लाइफ में। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट जूल्स, ना तो उसके पास में फ्रॉक्स है, मतलब ड्रेसेस है, ना ही ज्वेलरी है पहनने के लिए। तो एक मीडियोकर लाइफ जी रही है। तो ये सारा सब कुछ अभी आपने देखा मटिल्डा के बारे में ही आपको बताया गया है। जितना आपको लगे जरूरत लिख लेना अपने आंसर्स में। अब इसकी एक फ्रेंड है रिच, ठीक है, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, ये बिल्कुल उसको विजिट नहीं करना चाहती, एक नहीं बहुत सारी है वैसे तो। अब वन इवनिंग, मतलब स्टोरी आगे बढ़ेगी आपकी, होगा क्या कि जो मिस्टर लोजल है वो आता है एक इनविटेशन कार्ड लेके,
ठीक है, इनविटेशन कार्ड किसका है, मिनिस्टर के घर में पार्टी है, इन सबको वहां बुलाया गया है। मिस्टर लोजनेल को लगता है कि जब मैं मटिल्डा को ये कार्ड दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी, है ना, और बोलेगी कि वाह आज तो पार्टी में जाना है, बिकॉज ही नोज कि मटिल्डा को ऐसी पार्टीज में जाना, लग्जरियस फूड खाना अच्छा लगता है। बट मटिल्डा सैड हो जाती है उस कार्ड को देख के। रीजन क्या है उसका, वो बोलती है ना मेरे पास ड्रेस है, ना मेरे पास ज्वेलरी है, मैं कैसे जाऊंगी, एंड प्लीज गिव दिस कार्ड टू समबडी एल्स हु इज बेटर आउटफिटेड देन मी। आउटफिटेड मतलब जिसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े हैं उसको जाके दे दो, क्योंकि मैं तो ऐसे कपड़ों में इस पार्टी में नहीं जा सकती। सो वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्स हैपिली हैविंग एन इनविटेशन कार्ड इन हिज हैंड। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड जैसा उसके हस्बैंड ने सोचा था, शी थ्रोस द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल। क्या कर देती है, उसको थ्रो कर देती है, फेंक देती है। हस्बैंड पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है आई डू नॉट हैव एनी एलिगेंट ड्रेस टू वियर एट द पार्टी, कोई एलिगेंट ड्रेस नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द मिनिस्टर्स बॉल। ऑल्सो एक और बात उसको बोलती है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, शी अर्जेस टू गिव द पार्टी इन्विटेशन टू सम अदर लेडी हु इज बेटर आउटफिटेड देन हर। मेरे से जो अच्छी है उसको जाके दे दो, जिसके पास अच्छे कपड़े हैं मेरे से कम वो पहन के जाएगी। तो अब मिस्टर लोजेल ऑफकोर्स केयरिंग हस्बैंड है, उसको बुरा लगता है, उसको पूछता है ठीक है मुझे एक बात बताओ, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाई दिस, कितना पैसा चाहिए तुमको अगर तुम दूसरी ड्रेस खरीदना चाहती हो तो कितना पैसा चाहिए। पहले तो बोलता है वो वाली पहन लो, बट ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे ईजी नहीं है इतना गर्ल्स के लिए ड्रेस डिसाइड करना। फाइनली उसका हस्बैंड बोलता है अच्छा बताओ तुमको कितने पैसे चाहिए। अब हेजिटेंटली मतलब डर डर के, इसको भी पता है कि इतने नए नए कपड़े लाना हमारी हैसियत में नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, बट स्टिल व्हेन ही आस्क्स तो मटिल्डा बताती है ठीक है आई थिंक 400 फ्रेंक्स वुड बी बेटर, इसमें मेरी जो है ड्रेस आ जाएगी तो मुझे 400 फ्रेंक्स दे दो। आपको क्या लगता है मिस्टर लोजेल देगा कि नहीं देगा? केयरिंग हस्बैंड है, सपोर्ट करता है, ऑफकोर्स देगा, वो उसको 400 रुपीज फाइनली रुपीज नहीं फ्रेंक्स उसको दे देता है और बोलता है ओके ओके जस्ट बाय अ डिसेंट ड्रेस सो दैट अभी पार्टी में भी पहन सको और आगे भी पहन सको। सेम मिडिल क्लास मेंटालिटी जो हम लोग के यहाँ पे भी होती है, तो फाइनली ड्रेस के लिए मान जाता है। अब ये पता है कौन से 400 फ्रेंक्स थे, ये वो 400 फ्रेंक्स थे जो मिस्टर लोजेल ने अपनी हंटिंग पार्टी के लिए सेव किए हुए थे। ही वॉन्टेड टू बाई अ गन, इसको क्या चाहिए था, एक गन बाई करनी थी सो दैट ही माइट ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज विद हिज फ्रेंड्स द नेक्स्ट समर। बट बिकॉज मटिल्डा को अपनी ड्रेस की जरूरत थी और वो सैड थी, तो उसने अपने 400 फ्रेंक्स भी मटिल्डा को दे दिए। यहाँ फिर से आपको समझ आया कि ये जो मिस्टर लोजेल है वो एक अच्छे अबव एवरेज हस्बैंड है। अब बॉल का टाइम आ जाता है, पार्टी वाला दिन आ जाता है, अब इसके पास में ड्रेस है तो उसको खुश होना चाहिए, पर क्या ये खुश है, इज शी नाउ हैप्पी दैट आई हैव अ ड्रेस? ऑफकोर्स नॉट। जिसको खुश नहीं होना होता लाइफ में वो कभी नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है, चाहे आप उसको दुनिया भर की खुशियां दे दो। एक नेचर ऐसा ही मटिल्डा का भी था, अभी उसके पास ड्रेस थी, उसने मांगा उसको मिल गई, अब वो कह रही है मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है। ओके, सो द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मटिल्डा मैडम लोजेल सीम सैड डिस्टर्ब एंशियस, अभी भी सैड है, अभी भी डिस्टर्ब है, अभी भी एंशियस है। अब उसका हस्बैंड पूछते हैं अब क्या हुआ, अभी तो तुम ठीक थी, अब बॉल का दिन है, पार्टी का दिन है, अब तुम्हें क्या हो गया? अब वो बोलती है मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है टू अडॉर्न माई सेल्फ, अपने आप को कैसे सजाऊंगी उससे, मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में, आई कान गो। उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है काम करो, वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कुछ ना ऐसे नेचुरल आजकल चल रहे हैं, ट्रेडिशन में है, ओरिजिनल नेचुरल फ्लावर्स पहन लो। शी सेज नो, कन्विंस नहीं होती है, बोलती है इतनी अच्छे अच्छे रिच रिच लोग आएंगे वहां पे, मैं ये नेचुरल पहन के जाऊंगी कैसा लगेगा? इसके लिए कीवर्ड जो चैप्टर में है वो आप ले सकते हैं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स्ट ऑफ द रिच पीपल, इन द मिड्स्ट मतलब रिच पीपल के बीच में शैबी एयर आएगी जो मैं पहन रही हूँ, दैट वुड नॉट लुक गुड विद अदर्स, बिकॉज वो डेफिनेटली गोल्ड एंड डायमंड एंड प्लेटिनम पहन के आएंगी और मैं नेचुरल फ्लावर पहन के जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं जाना पार्टी में। अब ऑफकोर्स हस्बैंड केयरिंग है, वो उसको फिर से सजेस्ट करता है देखो अब ज्वेलरी लाने का टाइम तो नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं आप अपनी फ्रेंड से खरीद नहीं लो बोरो कर लो। तो अभी वो बोलते हैं एक काम करो, आप जाओ अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास, उनसे बोल दो
कि मुझे आपकी ज्वेलरी चाहिए, कुछ भी जाओ और ले आओ। मटिल्डा जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास में, उनको बोलती है कुछ है क्या आपके पास में। मैडम फॉरेस्टियर हैप्पीली काइंडली उसको सपोर्ट करती है, बोलती है देखो ये नहीं सारी ड्रेसेस, पसंद कर लो तुमको जो भी इसमें से चाहिए, राइट। तो अब मटिल्डा बहुत सारी ड्रेसेस देखती है, सॉरी बहुत सारी ज्वेलरी देखती है, लेकिन इसको कुछ कुछ पसंद आती है, कुछ कुछ लेना चाहती है, बट डिसाइड नहीं कर पाती। फिर इसको फाइनली वो ज्वेलरी दिखती है जो इसको चाहिए। क्या दिखता है इसको? नेक्स्ट डे मटिल्डा विजिट्स मैडम फॉरेस्टियर हाउस। मैडम फॉरेस्टियर प्रेजेंट्स हर ऑल द ज्वेलरी शी हैज एंड आस्क्ड टू चूज व्हाटएवर यू वांट। शी डिस्कवर्स इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड। एक फाइनली नेकलेस मिलता है, अपने ट्रेम्बलिंग हैंड से उसको उठाती है। ट्रेम्बल बोले तो डरे हुए हाथ, है ना, जो शेक कर रहे होते हैं उसके हाथ, वो उठाती है, प्लेस करती है अपने थ्रोट पे अगेंस्ट हर ड्रेस और देखती है दैट शी इज लुकिंग एक्सटेटिक, ब्यूटीफुल लग रही होती है उस डायमंड नेकलेस से, और उसको यही चाहिए था, बहुत अच्छा लगता है इसको वो डायमंड नेकलेस। उसको बोलती है कैन आई टेक इट, ऑफकोर्स मैडम फॉरेस्टियर बोलती है हाँ हाँ ले जाओ। और फाइनली मैडम लूजल से, मिसेस लूजल मतलब जो इसकी जो वाइफ है मटिल्डा है, वो खुश हो जाती है कि मैं अब तैयार हूँ बॉल में जाने के लिए। द डे ऑफ द बॉल अराइव, आता है फाइनली वो दिन जहां उसको पार्टी में जाना होता है। अब देखो इसको बहुत ब्यूटीफुली आप लोग लिख सकते हैं अगर ये आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। लूजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लूजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब यही दिख रही थी उस दिन। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय लग रही थी। वहां पे जितने भी लोग थे दे वर नोटिसिंग हर, हर कोई उसको नोटिस कर रहा था, उसका नाम पूछ रहा था एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। हर कोई उस दिन प्रेजेंट होना चाहता था उसके सामने, कि एक बार मटिल्डा के सामने जाके उससे हाई हेलो करने का मौका मिल जाए। इतनी ब्यूटीफुल उस दिन लग रही थी और यही तो उसको चाहिए था। इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मटिल्डा। लेकिन क्या हैप्पीनेस इतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी? ऑफ कोर्स नॉट, ट्विस्ट आएगा स्टोरी में। शी डांस्ड विद द एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि भाई इतनी खुश थी, इतनी मजे से, जोश से, एकदम नशे में चूर चूर, खुशी से बिल्कुल फूली नहीं समा रही थी और बहुत खुश थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमिरेशन, जो भी तारीफ उसकी कर रहा था बस उसी के बारे में सोच रही थी। ड्रीम कम ट्रू वाला सिचुएशन उसके लिए हो गया। अब 4 बजे तक ये पार्टी चली, 4 o'clock तक, ठीक है, और 4 o'clock के बाद में फाइनली ये जब बॉल से बाहर निकली, भाई हो गया पार्टी खत्म, पार्टी से बाहर निकलती है तो उसका हस्बैंड क्या करता है, उसको शॉल पहनाता है, रैप बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो इसको एक रैप पहनाता है। देखो कितना ब्यूटीफुली, ये एक कीवर्ड यहाँ से आप ले सकते हैं, जहां पे उसकी ड्रेस तो बहुत एलिगेंट है ना, रिच ड्रेस पहनी है, रिच डायमंड का नेकलेस पहना है, लेकिन जो रैप है, जो शॉल है, जो फर वो पहन रही है, वो बहुत चीप है, सस्ती है, क्योंकि है तो उनका स्टैंडर्ड नॉर्मल मीडियोकर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का है, तो वो क्लैश करती है उसकी पॉवर्टी, रैप की पॉवर्टी किससे, उसकी एलिगेंट ड्रेस से। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? ही बोले तो मिस्टर लूजल थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स, अपने अराउंड शोल्डर के अराउंड उसके क्या करता है, रैप्स पहनाता है, मतलब शॉल पहनाता है, दे हैड कैरीड अपने साथ, वो उसको लेके गए थे। Whose poverty clashed with the elegance of the ball costume? Ball costume जितनी elegant लग रही थी, उतनी ही cheap उसकी shawl लग रही थी। तो दोनों clash कर रहे थे, दोनों की जो standard है वो clash कर रहे थे। तो अब Matilda सोचती है कि कोई मुझे देख ना ले इस बेकार सी shawl में, तो वहां से भागने लगती है जल्दी जल्दी। अब ठंड लग रही है तो पहनना भी जरूरी था, लेकिन कोई देख ना ले इसीलिए जल्दी जल्दी हरीली भागती है, जैसे सिंड्रेला भागती है ना, जब 12 बजने वाला होता है उसको पता चल जाता है मेरे सैंडल डिसअपियर हो जाएंगे, ड्रेस डिसअपियर हो जाएगी, मैजिक खत्म हो जाएगा, ऐसे ही ये भी भागती है कि बस मुझे कोई देख ना ले इस शॉल में। सो शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन। अदर वुमेन ने क्या पहन रखा है? उन्होंने पहन रखे हैं रिच फर्स, रिच मतलब की बड़े महंगे महंगे फर वाले शॉल पहन रखे हैं। तो फाइनली वहां से मटिल्डा भाग जाती है, कैब का वेट भी नहीं करती। उसका हस्बैंड बोलता है रुको मैं कैब बुलाता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, मटिल्डा को वहां रुकना नहीं है, वो भागती है वहां से, निकल जाती है। अब कैब तो नहीं मिलेगी नॉर्मल रोड पे कहीं पे भी, तो ये लोग क्या करते हैं, अलोंग द रिवर चलते जाते हैं, रोड साइड चलते जाते हैं। सो दे वॉक अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, शिवर कर रहे हैं दोनों। फाइनली इनको एक कैरेज मिल जाता है जो कि पेरिस में रात को नाइटफॉल में चल रहे होते हैं, घोड़ा गाड़ी टाइप से, और उसमें बैठ के ही अपने घर जाते हैं। तो फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन द पैलेस आफ्टर नाइटफॉल।
When she reaches home, जब एक बार वो अपने घर पहुंचते हैं, मटिल्डा ऑफ कोर्स खुश है और फाइनली वो डिसाइड करती है कि एक बार अपने आप को और आईने में देख लेती हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी आज, है ना. सो शी डिसाइड्स कि लेट मी सी हाउ आई वाज लुकिंग. तो वो अपने जो रैप्स हैं उसको निकालती है, उतारती है शॉल को फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर द फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन द ग्लोरी एंड शी क्राइज. क्या होने वाला है, उसका जो नेकलेस है वो खो जाएगा. Suddenly she utters a cry. The necklace is not around her neck. बिल्कुल necklace है ही नहीं. Luzel कपड़े वपड़े change करके आराम से सो रहा होता है कि भाई चलो अब तो पार्टी खत्म, सुबह ऑफिस भी जाना है. लेकिन जब Matilda जोर से चिल्लाती है तो Luzel बोलता है what happened and she says that I don't have the necklace. Luzel खड़ा होता है, undressed होता है Luzel. Undressed मतलब half, अपने कपड़े पहना के normal comfortable dresses में आ जाता है. तो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं इन दी फोल्ड्स, कपड़ों की फोल्ड में कहीं पे इधर उधर तो नहीं है, हेयर में, पॉकेट में, है ना, पॉकेट में चेक करते हैं, यहाँ तो नहीं है, एवरीवेयर एंड दे कैन नॉट फाइंड इट. कुछ भी उनको नहीं मिलता है. जो नेकलेस खो गया तो खो गया. अब Luzel क्या करेगा, पूरे ट्रैक पे जाएगा जहां जहां वो पैदल पैदल आए थे. सो Luzel गोज ओवर द ट्रैक वेयर एवर दे वेंट ऑन फूट. मिलेगा क्या नेकलेस, नहीं मिलता. दे कैन नॉट फाइंड इट बट ऑफकोर्स दे गेट नथिंग. वो कोशिश करते हैं शायद मिल जाएगा बट उनको कुछ भी नहीं मिलता है. उसके बाद में वो कहाँ जाता है, शी रिमेन्स इन एन इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. Matilda इतने टाइम तक क्या करती है, इवनिंग गाउन में वहीं बैठी रहती है स्टूल पे क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो जाके सो जाए. भाई नेकलेस खो गया, डायमंड का था, कितना महंगा होगा कोई गारंटी नहीं है, राइट. अब वो पुलिस वाले के पास भी जाता है, कैब वाले के पास भी जाता है कि भाई कैब ऑफिसर के पास शायद खो गया हो. एडवर्टीजमेंट भी निकालता है कि भाई एडवर्टीजमेंट में हम आपको क्या देंगे, अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे अगर आप नेकलेस ढूंढोगे. बहुत दिन हो जाते हैं बट नेकलेस नहीं मिलता. अब देखो यहाँ पे Matilda के पास में दो ऑप्शन थे. एक बहुत अच्छा ऑप्शन सेफर साइड उसके पास ये था कि अपने फ्रेंड के पास जाती, ऑनेस्टली उसको बोलती कि देखो यार मेरे से ना तुम्हारा नेकलेस तो खो गया है, अब तुम मुझे बता दो कितने का था, मैं तुमको पे कर दूंगी. अगर सस्ता है तो अभी कर दूंगी, ज्यादा महंगा है तो धीरे धीरे कर दूंगी. ऑनेस्टली कन्फेस कर देना अपनी मिस्टेक किसी के सामने. दूसरा हमारे पास में क्या तरीका होता है कि भाई हम झूठ बोल दें सामने वाले को, कोई बहाना बना दे कि यार मेरे उसका ना हुक टूट गया है, क्लास टूट गया है, तो मैं तुमको उसको रिपेयर करा के एक हफ्ते में वापस दूंगी, तब तक मतलब मैं उसको सही करा लेती हूँ. इतने में आप क्या करोगे, वही एज इट इज नेकलेस ढूंढोगे, उसको कितने का था, जितने का भी था विदाउट नोइंग द रियल वैल्यू ऑफ द नेकलेस आप महंगा खरीद लाओगे और वो आप रीपे कर दोगे जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू बी सेफ कि भाई उसको पता ना चले कि हमने कोई गलती कर दी है. तो आपने ऑनेस्टली अपने आप की गलती को कन्फेस नहीं किया, उसको छुपाने की कोशिश करी और छुपाने के चक्कर में आप ट्रबल में आ गए अपनी लाइफ में, राइट. तो ये एक मैसेज है यहाँ जो मिलता है कि भाई ऑनेस्टली आपको क्या करना चाहिए था, बता देना चाहिए था, बट इसने नहीं बताया. ये क्या करती है, क्या ऑप्शन है इसके पास में, शी राइट्स टू हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लिखती है दैट शी हैज ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट विल हैव टू दैट शी विल रिपेयर. ठीक है, इट विल शी विल हैव इट रिपेयर्ड, रिपेयर करा के एक हफ्ते में वापस दे देगी. मैडम फॉरेस्टर ने कहा ठीक है दे देना, मेरे पास तो पड़ा हुआ था, मुझे कौन सा भी पहनना है. वैसे भी उसको पता है कि वो रियल डायमंड नहीं है, नकली है, तो उसको ज्यादा चिंता उसकी नहीं हुई. इन अ शॉप फिर अब वो ढूंढने जाते हैं, दोनों लोग बोलते हैं भाई अब तो फाइनली नेकलेस खरीदना पड़ेगा क्योंकि वापस देना है, किसी का है तो खो दिया. अच्छा यहाँ से आपको एक और लर्निंग मिलती है कि आप अगर पहली बार तो किसी से कुछ मांगो ही मत, जो है जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहो. अगर आपने किसी से कुछ मांग भी लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका ख्याल रखें, दूसरे की चीज़ आप ऐसी थोड़ी खो सकते हैं. इसीलिए बोला जाता है कोशिश करो ना ही लो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कब आप भूल जाए, गलती हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है. तो बेटर है कि दूसरों से कभी कोई चीज उधार की मांगो ही मत. पैसा भी अगर लेना पड़ जाए तो आप देखो ना, क्या पता क्या सर्कमस्टांसेस हो जाए, वापस ही ना कर पाए तो आप किसी के डेट में आ गए. तो बेटर है जो है जितना है उतने में ही करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो सो अभी वो लोग जाते हैं शॉप्स पे नेकलेस को ढूंढने के लिए. तो फाइनली दे फाइंड अ नेकलेस ऑफ डायमंड व्हिच सीम्स टू them exactly like the one they have lost. ठीक है, तो finally वो क्या करते हैं, एक necklace उनको मिल जाता है और वो decide करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले necklace को खरीद लेते हैं. So they of course find a diamond necklace that seems to them exactly like the same that they have lost.
दिस इज वैल्यूड फॉर 40,000, 40,000 फ्रेंक्स का वो डायमंड होता है। बट फाइनली जो शॉपकीपर है वो बोलता है अगर आज ही लोगे तो मैं आपको क्या करूंगा 36,000 का दे दूंगा। अमाउंट बताएंगे सब लोग मुझे कमेंट में कितने का था डायमंड का नेकलेस और उनको कितने का मिला और कितने का उनको उनके पास सेविंग थी और कितना उनको एक्स्ट्रा डेट लेना पड़ा। ठीक है ओके क्या हो जाता है। हाँ जी, सो लोजल पजेसेस 80,000 फ्रेंक्स। लोजल के पास ऑलरेडी 18 थे विच हिज फादर हैज लेफ्ट हिम और बाकी का रेस्ट कितना बचा 18 और बचा वो ही बोरो कर लेता है। ठीक है, सो फाइनली 18-18 करके 36 ये लोग कैसे भी करके जुगाड़बाजी करके इतने फ्रेंक्स 1000 फ्रेंक्स इकट्ठा करते हैं, नेकलेस खरीदते हैं, बाद में जाके मैडम फॉरेस्टियर को दे देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व? नो, बिकॉज ये पैसा उनपे था नहीं। एक तो पैटर्नल प्रॉपर्टी में से जो भी 18,000 फ्रेंक्स आए थे वो दे दिए, उसके बाद में 18,000 अभी डेट लिया है, अभी वो डेट भी वापस करना है। फाइनली मटिल्डा रिटर्न्स द नेकलेस टू हर फ्रेंड। मैडम फॉरेस्टियर डज नॉट ओपन द ज्वेलरी बॉक्स, वो खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है कि क्या था। मटिल्डा बोलती है ये लो आपका नेकलेस, वो ले लेती है, रख लेती है, दैट्स इट, ओवर। अब आने वाले 10 साल 10 ईयर्स इनकी लाइफ के सबसे ज्यादा वर्स्ट लाइफ के ईयर होने वाले हैं, जो इनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। क्यों कर देता है चेंज? बिकॉज अब इनको अपने घर को छोड़ के किसी नॉर्मल एटिक में रेंट पे रहना पड़ता है, जो मेड इसके घर खाना बनाने आती थी उनको छोड़ना पड़ता है, सेकंड थर्ड फ्लोर पे घर है तो पानी भरने के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ता है, ग्रोसरी खरीदने के लिए एक एक रुपया बचाना पड़ता है, ग्रोसरी खरीदनी पड़ती है नीचे जाके, हर सब्जी वाले से, सामान वाले से, आटे वाले से, हर किसी से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, एक एक रुपया बचा बचा के डेट जो चुकाना है। जो मिस्टर लोजिल है वो दिन में अपने ऑफिस में काम करते हैं, शाम को किसी बुक स्टोर पे जाके काम करते हैं, सो दैट ही कैन सेव मनी और सारा डेट चुका सके। इस सबको करने में 10 साल लग जाते हैं और ये वो 10 ईयर्स थे जो इनकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 10 ईयर्स होते हैं। हम बोलते हैं ना जब हम लोगों की एक्चुअल लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए, मान लो अभी आप 25 तक स्टडीज करोगे, है ना, जॉब करना, स्टडी करना, फिर जब आपकी शादी होती है 25 से 30 के बीच में, शादी हो या आप पार्टनर के साथ रहें या जो भी करें, उसके आगे आने वाले 10 साल जैसे 30-40 या 25-35 आप इंजॉय करिए, क्योंकि उसके बाद में बॉडी सपोर्ट करना बंद कर देती है और हमें पता है कि भाई अब तो क्या है, धीरे धीरे लाइफ चलेगी, राइट। तो वही इंपॉर्टेंट 10 ईयर्स उनकी लाइफ के जो उनको एक्चुअली इंजॉय करने थे, वही 10 ईयर उनकी लाइफ के उन्होंने क्या किया, सफरिंग में निकाल दिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसके लिए है मिसेस लोजिल, मैडम लोजिल नाउ नोज द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, क्या होता है छोटी छोटी चीजों के लिए भी परेशान होना पड़ जाता है। दे सेंड अवे द मेट्स, मेट्स निकाल दी, चेंज देयर लॉजिंग, जहां घर रहते थे वो हटा दिए, रेंट कर लिया किसी एटिक पे, एटिक होता है छत पे वाला जो रूम होता है ना छत के ऊपर वाला, उसको एटिक बोलते हैं। एटिक तो वैसे रूफ के नीचे की वो भी होती है, एक टार्न टाइप से होती है जिसमें ना मम्मियां पुराने पुराने कपड़े और पुराने पुराने बक्से ऊपर चढ़वा के रख देती हैं, आपको पता होगा, है ना, तो उसको भी बोलते हैं। लेकिन एक ऊपर कमरा जो होता है स्टोर रूम, उसको भी एटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एटिक पे बेसिकली चली जाती, स्लैब होता है, मेरे घर में था स्लैब, तो मम्मी जब मैं छोटी थी तो मुझे चढ़ाती थी उसपे, ऊपर चढ़ जा और देख बता क्या क्या रखा है दिवाली होली पे, मैं यही काम करती थी, तो बहुत बच्चे करते होंगे आई एम श्योर। तो ये होता है एटिक पे चढ़ना, और ये वाला जो एटिक है यहाँ जो लिखा है वो स्टोर रूम का लिखा हुआ है, जो घर के ऊपर होता है, छत के पास होता है, छत में होता है। ठीक है, सो फाइनली अपने ओडियस वर्क करना, हार्ड वर्क करना सारे किचन के वो खुद से सीख जाती है। शी वॉशिज द डिशेज, घर की सफाई, मेड चली गई ना तो सारे काम यही करेगी, मेड को पैसे देने पड़ेंगे और अभी तो खुद डेट में है, मेड कैसे रख सकते हैं। द हस्बैंड वर्क्स इन इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, तो एक बुक शॉप पे जाके क्या करता है वो बुक्स को ऑर्डर में रखता है। आफ्टर 10 ईयर्स मिसेस लोजिल लुक्स ओल्ड, 10 साल निकल जाते हैं, इन 10 सालों में ये कैसी बन गई है,
क्रूड लेडी बन गई है. कैसी बन गई है? शी हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन. द क्रूड वुमेन स्ट्रॉन्ग हार्ड, मतलब पहले जितनी डेलिकेट लगती थी ना, वो पार्टी वाला दिन याद करती है विंडो पे बैठ के कभी कभी कि क्या दिन था वो. और उस दिन को याद करते करते कि मेरी हर कोई तारीफ कर रहा था, मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, याद करते करते पहुंच जाती है उस डायमंड के नेकलेस के ऊपर जो उसने खो दिया, और उसकी वजह से ये हाल हो गया उसका. तो 10 सालों में वो इतनी ओल्ड लगने लगी. बोलते ना, जब आप हैप्पी होते हैं आपके चेहरे पे दिखता है, आप यंग लगते हो, और जब आप परेशान होते हो तो आप कैसे हो जाते हो, आप ओल्ड दिखने लग जाते हो, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है ना. इसीलिए कहते हैं टेंशन कम लो और फालतू के पचड़ों में कम पड़ो, सीधी लाइफ सिंपल लाइफ जियो. लॉन्ग टर्म में पता चलेगा जब तुम्हारी स्किन यंग रहेगी, है ना. सो बेसिकली होता क्या है, 10 साल में वो कैसी लेडी बन जाती है, स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड क्रूड, मतलब कि अब वो बिल्कुल फिल्टर नहीं है उसके ऊपर कुछ भी. मेकअप वेकअप नहीं, नॉर्मल कपड़े पहनना, नॉर्मल घर के कपड़े, मेड टाइप के कपड़े पहनना, और हर चीज को अपने हिसाब से करना. 10 साल निकल जाते हैं और अब फाइनली 10 सालों में ये रीपे कर चुके हैं लोन अपना, ठीक है, जो जिससे भी पैसे लिए थे सब वापस दे दिया. अब जीरो डेट है और जो नेकलेस का जो भी कचरा था सब निकल गया दिमाग से. अब ये नॉर्मल लाइफ जी रही है और अब उसको कोई डेलिकेसीज नहीं चाहिए, कोई लग्जरियस डिनर नहीं चाहिए, कोई लाइफस्टाइल अच्छी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसको समझ आ गया है लाइफ ऑफ नेसेसिटी कैसी होती है. संडे का दिन है. शी सडनली मीट्स अ वुमन वॉकिंग इन विद अ चाइल्ड. इट इज मैडम फॉरेस्टियर. तो मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है. स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव. मैडम फॉरेस्टियर 10 साल में कैसी है? उतनी ही ब्यूटीफुल, उतनी ही अट्रैक्टिव, क्योंकि वो तो अच्छी लाइफ जी रही थी ना, जहां भी थी हैप्पी थी तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैडम फॉरेस्टियर गेट सरप्राइज टू सी सच अ पुअर लेडी, हर फ्रेंड मटिल्डा. तो वो देखती है एकदम से, पहले तो बोलती है एक्सक्यूज मी हु आर यू, मैं तो नहीं पहचानी. मैडम फॉरेस्टियर जब नहीं पहचानती है तो मटिल्डा बोलती है यू मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइजिंग मी, बट आई एम मटिल्डा. मैडम फॉरेस्टियर गेट सरप्राइज, वॉट यू आर मटिल्डा, तुम तो बहुत ओल्ड हो गई हो, तुमको हो का क्या गया है, तुम थी कहाँ इतने दिनों से, एंड ऑल फोन वोन तो होते नहीं थे, तो इतना बातें बातें नहीं होती थी, तो लोग एक दूसरे से इजिली नहीं मिल पाते थे. तो 10 साल बाद उसको मिलती है. मटिल्डा बोलती है दिस ऑल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ यू. अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसने मटिल्डा ने जब बोला दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या मटिल्डा के साथ जो कुछ हुआ उसकी गलती किसकी थी, मैडम फॉरेस्टियर की थी, या मटिल्डा के हस्बैंड की थी, या मटिल्डा की थी? ऑफकोर्स हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मिस्टेक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो औरों को नहीं दे सकते. मैंने गलती करी है तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, ये मटिल्डा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसी ने गलती की थी. उस सबसे पहली बात तो डिससेटिस्फाइड होके उसने नेकलेस मांगा, बोरो किया. दूसरा बोरो किया तो किया, उसको चोरी कर, उसको मतलब खो दिया. तीसरा खोया तो खोया, झूठ बोल दिया कि मैं उसको रिपेयर करा के तुम्हें वापस दूंगी. तीनों स्टेप्स को सुधारा जा सकता था और लाइफ कुछ और ही होती, है ना. चलो, सो मटिल्डा टेल्स मैडम फॉरेस्टियर एवरीथिंग अबाउट द नेकलेस एंड दैट इट हैज टेकन देम 10 इयर्स. इट हैज टेकन देम 10 इयर्स टू पे फॉर द लॉस्ट नेकलेस. नेकलेस को वापस करने में, है ना, उसको पे करने में, दोबारा से उस प्राइस को पे करने में मुझे 10 साल लग गए. फॉरेस्टियर होल्ड्स बोथ हर हैंड्स एंड टेल्स हर एक सीक्रेट. उसको बताती है सीक्रेट क्या, मतलब उसको तो पता ही था, उसे क्या पता था कि तुम मेरे को असली नेकलेस का देके जा रही हो. उसको बोलती है माई डियर मटिल्डा, द नेकलेस वॉज जस्ट वर्थ ₹500, रुपीज नहीं, जस्ट वर्थ 500 francs. 500 francs का था बस, 36,000 francs का नहीं था. तो तुमने जो मुझे वापस दिया है वो रियल डायमंड दे दिए हैं, जबकि मेरे वाले तो फेक डायमंड थे. फॉरेस्टियर होल्ड्स बोथ हर हैंड्स एंड टेल्स हर दैट द नेकलेस शी लेंट वाज नॉट रियल डायमंड. उसके जो नेकलेस थे वो रियल नहीं थे. इट वाज नॉट वर्थ ओवर 500 francs. यहीं पे आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है और जो रीडर है वो शॉक्ड हो जाता है ये सोच के कि 500 francs के बदले में 36,000 francs के नेकलेस डायमंड्स को वापस दिया गया. और ये छोटी सी मिस्टेक सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि मैडम जो मटिल्डा है वो कन्फेस नहीं करती टाइम से उसकी गलती. अगर ये कन्फेस कर ली होती तो शायद इसको कभी इतना बड़ा अमाउंट ना देना पड़ता. क्योंकि क्या होता,
ये जाती मैडम फॉरेस्टर के पास में, उसको बोलती क्या है, तुम्हारे नेकलेस ने मैंने खो दिया, कितने का था? मैडम फॉरेस्टर बोलती कि देखो 500 का था, मुझे वो दे दो, कोई बात नहीं। 500 देने में कितना लगता? दे ही देते कैसे भी करके, राइट? इतना तो था, 18,000 फ्रेंड्स में वैसे भी थे, तो 500 देने में कोई बड़ी बात नहीं थी। और फाइनली सब नॉर्मल हो जाता, जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट कन्फेस इट, शी हैड टू फेस ऑल दिस, हैड टू वेस्ट हर 10 years एंड ऑफ कोर्स द एंटायर ड्रामा दैट हैपेंड। तो लाइफ लॉन्ग लेसन उसको ये मिला, और आपको भी डेफिनेटली बहुत सारे लेसन इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करे हैं वो सारे लेसन जो आपको इस चैप्टर से मिल रहे हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए चाहे जो हो जाए। ऐसे ये लाइनें नहीं लिखी होती है बेटा, कुछ रीजन से ये बातें आपको बताई जाती है कि हमेशा ऑनेस्ट रहिए। अपने पेरेंट्स को भी अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, जाइए डिस्कस करिए, कन्फेस करिए अगर आपने कोई गलती की है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती जो आज है उसको कन्फेस करने से बात यही की यही खत्म हो जाएगी। उस गलती को छुपाने के लिए आप जो और गलतियां करोगे वो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन सकती है, तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ना पेरेंट्स हेल्प कर पाएंगे, ना आप खुद अपनी हेल्प कर पाएंगे। तो जहां जरूरत लगे वहां अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फेस जरूर कर दें, गलतियों को कन्फेस जरूर कर दें। नेक्स्टली ऑफ कोर्स हमको क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव रादर देन कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू एक्वायर मोर। ज्यादा चीजों को एक्वायर नहीं करना है लाइफ में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से दूर रहना है, और जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, खुश रहो कि हाँ मैं खुश हूं। आपने देखा होगा मैं जितने भी लेक्चर्स अपने देती हूँ या जितने भी बातें बीच बीच में बताती हूँ, आई ट्राई टू बी पॉजिटिव विद यू ऑल बिकॉज आई एम पॉजिटिव। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ को लेके। सर्दियों में तो हो नहीं पाता, बट गर्मियों में मतलब मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स भी जानते हैं दैट आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड मेडिटेशन में आई लिटरली से थैंक्स टू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, द वे आई एम लिविंग, द वे आई एम डूइंग माय वर्क। आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक टीचर हूँ, मजे आते हैं हर चीज करने में, जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, दिस इज गुड। इससे क्या होता है, आप ग्रेटिट्यूड जब यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स आपको बदले में और हैप्पीनेस देता है। और आप अगर कंप्लेंट्स करते रह जाते हैं लाइफ में, भगवान जी बोलते हैं देखो परेशानी हो रही ना तो ये भी दे देला ठीक है। तो मटेरियल के साथ में कुछ कुछ वैसा ही हुआ, इसके पास जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी इससे ले ली गई। व्हाई? बिकॉज़ शी डिड नॉट हैव और शो दैट ग्रेटिट्यूड। नाउ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट इज द की टू हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स सेटिस्फाई होना चाहिए, कंटेंटमेंट होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना चाहिए, यही आपकी हैप्पीनेस का एक रीजन बनता है। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट नॉट एवरी मैन ग्रीड। दुनिया में धरती पे आपकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए सब कुछ है, ओके? पानी, खाना, जो भी चाहिए, हवा, सब कुछ है, घर, रहने की जगह, सब है, लेकिन आपकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रीड तो कभी खत्म ही नहीं होती, लालच तो फिर बुरी बला है ही है। A lot of complaints and no gratification towards your life may leave you with nothing in hands. मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में कंप्लेन ही करते रहोगे, जैसे बच्चे करते हैं ना, मेरा स्कूल ऐसा, मेरा स्कूल वैसा, मेरी टीचर कुछ नहीं पढ़ाती, मेरे मम्मी पापा मुझे समझते नहीं है, ये वो, ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स है बेटा। आपको औरों से कंप्लेन्स ना करके अपनी लाइफ को अपने तरीके से बेटर बनाना है, अपने हाथ में अपनी लाइफ लेनी है। वी कॉल इट टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ, ओके, इन योर हैंड्स। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई कैसा भी नहीं है, वो जैसे हैं। आप डिसाइड करो आपको कैसा बनना है, वहां से नहीं मिल रहा, कहीं और से मिलेगा। लेट देम बी व्हाट दे आर, यू बी व्हाट यू वांट टू बी, राइट? सो ये इम्पॉर्टेंट है, नो कंप्लेन बट ओनली ग्रेटिफिकेशन आपकी लाइफ में होना चाहिए। One little act of negligence can lead to total ruin. छोटी सी mistake life बर्बाद कर सकती है, तो हमेशा फूक फूक कर ही कदम रखें, ठीक है? तो देखो अब इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मेरे को श्योर हूं मैं आप कर दोगे। अगर मैसेज क्या है लेसन में से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, इस वजह से 2 से 3 जो भी आप कनेक्ट कर पाए और स्टोरी बता पाए उसमें, स्टोरी किसकी? मटिल्डा की। ध्यान रखो कभी भी किसी भी चैप्टर का मैसेज आपसे पूछा जाए ना तो आपको एकदम ज्ञानबाजी शुरू नहीं कर देनी है, है ना? आपको ये लाइनें तो बोलनी बोलनी है पर इनको इंटरलिंक्ड कर देना है चैप्टर से, स्टोरी से, कि मटिल्डा के साथ
क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि भाई कंप्लेंट्स नहीं करनी है लाइफ में और आपको ग्रेटिफिकेशन फील करना है आपके पास जो भी है। अब आप बताइए इन द स्टोरी मटिल्डा क्या करती थी, वो भी यही करती थी, हर चीज में उसको कंप्लेंट थी, खाने के टाइम पे उसको कंप्लेंट, पार्टी में जाने के टाइम पे उसको कंप्लेंट, और घर में रहने के टाइम पे उसको कब उसको कंप्लेंट ही कंप्लेंट थी, ग्रेटिफिकेशन था ही नहीं। इतना अच्छा हस्बैंड, कितना केयरिंग हस्बैंड, लविंग हस्बैंड है, नो ग्रेटिफिकेशन, उसकी हेल्प करता है, कपड़े ले आया उसके लिए, इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स है, नो ग्रेटिफिकेशन, घर है रहने के लिए, मेड आती है काम करने के लिए, नो ग्रेटिफिकेशन। जब सब छिन गया तब रियलाइज हुआ हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब क्या करोगे। आ रही है बात समझ में? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लाइफ में क्या होना चाहिए, ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए। और जिस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, मैंने क्या बोला, मैसेज लिखो और इंटरलिंक करो स्टोरी से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होगा। अब देखो मैं आपको दो क्वेश्चन दिखा रही हूँ, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है बच्चों। द स्टोरी द नेकलेस टीचेस अस मेनी लेसंस विच फॉर्म द क्रक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू। सो कोई भी ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड आपको कुछ भी लेसन यहाँ सिखाया बताया गया है। अभी अभी पुराने वाली स्लाइड पे, इससे पहले वाली स्लाइड पे मैंने आपको यही बताया है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार उनको, और उनमें से जो भी आपको ठीक लगे लिंक टू विद स्टोरी एंड राइट दी आंसर। और या तो आप ये वाला करिए या फिर मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ आज। हाउ वुड यू फील इफ यू वर इन मटिल्डास प्लेस एंड लॉस्ट समबडी सच अ वैल्यूएबल पोजेशन, आपको कैसा लगेगा, ठीक है। और इसके साथ में एक और लाइन लिख दी थी, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, What would be your next step? आपका next step क्या होगा, क्या करोगे, confess करोगे गलती हो गई है, या Matilda की तरह उस गलती को छुपाने के लिए एक और गलती कर दोगे, ठीक है। तो ये दो questions आपको मैंने दिखा दिए हैं, एक आपके सामने यहाँ है और एक आपके सामने यहाँ है। इन दोनों में से कोई एक question आपको मुझे comment section में लिख के देना है। इसके अलावा सुनो मेरी important चीज, Thursday को 3 बजे आप लोगों के लिए सेशन आ रहा है 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, 6 मार्क्स वाले, जो कि कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम बोथ 2 चैप्टर्स, ठीक है, कंबाइंड होंगे, मतलब 2 चैप्टर से कंबाइंड करके मैं पूछूंगी। आपके पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आप फ्रेम कर सकते हैं, अच्छा ये मैं किसमें से पूछ रही हूँ, 1st फ्लाइट में से, ठीक है, अभी फूड प्रिंट्स के नहीं, बस 1st फ्लाइट के, इस वाले सेशन में 1st फ्लाइट के, और दूसरे वाले में जब आएगा तो मैं फूड प्रिंट्स की करूंगी, डिपेंडिंग अपॉन कितने बच्चे इसको इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। तो 1st फ्लाइट में जितने भी लेसन आपको दिख रहे हैं उन सबको कंबाइन करके आपको क्या करना है, मुझे क्वेश्चन बना के देने हैं 2 चैप्टर्स में से, डायलॉग से रिलेटेड हो, इमेजिनेशन से रिलेटेड हो, जिससे भी रिलेटेड हो चलेगा, आप मुझे क्वेश्चन दीजिए जहां आप 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये क्वेश्चन देना, एक एक क्वेश्चन हर बच्चा देगा और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि कल ये आपके पास सेशन आ जाएगा तो मैं कल शाम को आपके क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके फिर अपना कंटेंट बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जो आपको अच्छे अच्छे आंसर्स प्रोवाइड करेगा, और इन आंसर्स की हेल्प से आप डेफिनेटली अपने एग्जाम वाले क्वेश्चंस को भी क्रैक कर पाएंगे। क्या पता कुछ सेम आई जाए, एग्जैक्टली लैंग्वेज सेम नहीं होगी, कोई बात नहीं, बट पैटर्न तो सेम ही होगा ना। तो मैं मिलूंगी आप लोगों को थर्सडे को, ठीक है, ये वाले सेशन के साथ में 6 मार्क्स वाला। आप लोग भूलना मत इनके आंसर्स मुझे कमेंट में देना और ये क्वेश्चंस फ्रेम करके देना, ठीक है, अच्छे अच्छे वाले मैं सिलेक्ट करके उनके आंसर्स आपको लेके देती हूँ। मिलूंगी आप लोगों को वेरी सुन थर्सडे को 3 बजे, और शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाय एवरीवन, टेक केयर।